नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर से जो क्वेश्चन इसमें शेष बचे हुए हैं उसका सोल्यूशन कराऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। यदि पार्ट 1-2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर अवश्य विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे, ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में 1-9 का क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छी तरह से कराकर बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, इतना बराबर आपको सिद्ध करना है 5x + 4 और 4 - यहाँ पर देखिए -x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो LHS ये हमने लिख दिया। अब LHS को लिखने के बाद में हमने क्या किया कि मुझे लाना क्या था, यहाँ पे मुझे लाना था 5x + 4। ठीक है, तो पहले हमको यदि हम R1, R2, R3 को अगर हम R1 के स्थान पर जोड़ेंगे तो हमारा 5x + 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x और 2x, तो 2x 2x 4x 5x + 4 हो जाएगा ना। तो वही हम यहाँ भी देखिएगा तो उतना हो जाएगा 2x, x 3x और 2x 5x हो जाएगा प्लस 4। यहाँ भी देखिएगा तो देखिए 2x 2x 4x x 5x + 4। ठीक है, तो वही हमने काम कर दिया, R1 के स्थान पे R1 + R2 + R3 जोड़ दिया। तो चलिए इसको जोड़कर यहाँ लिखता हूँ, तो देखिए इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर इसको तीनों को जोड़ के यहाँ लिखिए, तो देखिए इतना आ जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा तो यहाँ लिखिएगा, यानी 2x 2x और x 5x + 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस R1 में से भाई 5x + 4 5x + 4 5x + 4 इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए हमने कॉमन करके लिख दिया। ठीक है, अब कॉमन करने के बाद हमने लिख दिया, अब क्या करिएगा दोस्तों कि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि C1 के स्थान पे यदि इसमें से इसको घटाएं तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम किए हैं कि C1 के स्थान पे C1 - C2 एंड C2 के स्थान पे, मतलब ये C2 के स्थान पे C2 - C3 कर दिया। मतलब ये C1 में से C2 घटा के C1 के स्थान पे, और फिर ये यहाँ पे मतलब C2 के स्थान पे इस C2 में से C3 को घटा के यहाँ C2 के स्थान पे लिख दूंगा। ठीक है, तो वही काम किया, तो देखिए 1 में से 1 घटा तो 0, फिर इसमें से इसको घटाइएगा ना तो 2x में से x घटेगा तो क्या हो जाएगा x, आइए -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 2x में से 2x घटाइएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1 में से 1 घटाइएगा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ इसमें से इसको घटाइएगा ना तो देखिए यहाँ पे x में से -2x घटेगा तो -x हो जाएगा, और -x हो जाएगा यहाँ पे 4 - x हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपका ये -x + 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2x में से x घटाइएगा तो x हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो कि C3 ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो हम अब क्या कर रहे हैं, ये 0, ये भी 0, ये 1 हो गया, तो हम R1 के अनुदिश अगर हम प्रसरण करते हैं तो इसका सोल्यूशन अच्छी तरह से मतलब आसानी तरीक़े से हो सकता है, इसलिए हम R1 के अनुदिश कर रहा हूँ। तो ये तो ऐसे ही रह गया, ठीक, R1 में ये तो 0 है, ये 0 है, तो ये दोनों छोड़ ही दीजिए, इसको लेना पड़ेगा हमको, इस लाइन में ये 1 है तो 1 को लीजिएगा, तो इस ये लाइन खत्म, ये लाइन आर, ये आपका रो खत्म, ये आपका कॉलम खत्म, तो बच गए ये 4, तो उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखे हैं, अब इसको हम प्रसारण कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिए, तो इसमें इसको गुना करिएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तो जितना है इतना ही ये है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 0 में इससे गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, तो इसको ऐसे लिख दिए, इसको भी ऐसे लिख दिए। अब मुझे लाना क्या है, तो मुझे लाना था 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर, तो इसको मैं 5x - यहाँ पर देखिए प्लस था, प्लस, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, यहाँ पे मिस्टेक से माइनस लिखा गया है, यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसको मुझे क्या करना है, ये 4 - x लिखना है। ठीक है, इसको आप अपोजिट लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 4 - x हो जाएगा, माइनस अगर हम कॉमन करते हैं तो इतना हो जाएगा ना, और जैसे ही इसका आप होल स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, यानी कि 4 - x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वही मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया हूँ कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए था कि 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे, ये RHS आपका प्रूव हो गया ना, तो वही मैंने लिख दिया कि ये आपका देखिए RHS प्रूव हो गया। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आया, माइनस कॉमन किए तो स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, तो आपका हो जाएगा कितना 4 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, जितना आपको लाना था ये आ गया RHS प्रूव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का 2, तो आप 10 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये इतना बराबर आपको इतना लाना है, तो बस ये LHS उठाइए
और यहाँ पे देखिए लाना क्या है, वाई प्लस के, थ्री वाई प्लस के पर सोचिए। तो इस अगर हम आर वन के स्थान पर या आर वन आर टू आर थ्री जोड़ें तो वाई 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 तो थ्री वाई प्लस के सिंपल। इसमें भी देखिए वाई 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 थ्री वाई प्लस के यहाँ भी हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा। तो वही मैंने कर दिया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आर वन के स्थान पर लिख दिया और इसको जोड़िए। तो जोड़ के आप इस तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, देखिए लिख दिए, और फिर इन तीनों को जोड़िए और फिर यहाँ लिख दीजिए, फिर इन तीनों को जोड़िए यहाँ लिख दीजिए, और इसको यानी आर टू और आर थ्री में कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे उतार दीजिए, ठीक है सिंपल। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, इसको थ्री वाई प्लस के तीनों में आर वन में कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ पे वन यहाँ पे वन यहाँ पे वन, ये जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे वन वन हो गया। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे अब आपको करना क्या है, फिर उसी तरह से सी वन माइनस सी टू कर दूँ तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, इसमें से इसको घटा दूँ, फिर इसमें से इसको घटा दूँ, तो फिर यहाँ पे देखिए सी टू माइनस सी थ्री के स्थान पे करूँ तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, इसमें से भी इसको घटा के यहाँ लिख दूंगा, इसमें से इसको घटा के लिख दूंगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो आपको बताया, तो वही काम करेंगे। तो वन में से वन घटाएंगे तो जीरो, फिर देखिए वाई में से इसको घटेगा ना, तो वाई से वाई कट गया तो यहाँ पे लेकिन माइनस के बचेगा, ठीक है सिंपल। और वाई में से वाई घटेगा तो जीरो, इसी तरह से यहाँ पे वन में से वन घटेगा तो जीरो, इसमें से इसको घटेगा तो देखिए ये वाई से वाई कट जाएगा लेकिन के बच जाएगा प्लस में, और इसमें से आप घटेगा तो देखिए वाई ये वाई में से वाई घटेगा तो कट गया लेकिन ये माइनस के बच जाएगा ना। और ये सी थ्री का मान जो है आपका, यानी कि थर्ड कलम जो है आपको क्या करना है, ऐसे ही उतार देना है, बस रहने दीजिए, लिख दीजिए। अब क्या करना है, देखिए ये जब दो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, तो यहाँ पे वन, तो इसके आर वन के अनुदिश जैसे ही प्रसारण करिएगा तो ईजिली यानी बहुत आसानी से ये हो जाएगा सिंपल। तो हम क्या किए, इसको ऐसे ही लिख दिए, और यहाँ पर हम वन लिए तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो ये बच जाएगा चार, तो ये चारों मान को हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसको तिरिया गुना करेंगे, यहाँ पे ये प्लस में होता है इसलिए प्लस में लिखा हूँ, ठीक है ना। अब गुना करिएगा तो देखिए के में इसके ऐसे करिएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा सिंपल। आ सूत्र में माइनस होता है जब इसमें गुना करते हैं, तो जीरो में के से तो जीरो ना होगा, और के स्क्वायर में से जीरो घटाएगा तो क्या बचेगा, के स्क्वायर ही ना बचेगा, तो के स्क्वायर को पहले लिख दिया और ये जो आया था उसको बाद में लिख दिया, जो कि हमको लाना था आर एच एस, देखिए ये आ गया। अब आपका क्या हो गया, यही लाना था आपको, तो बस यही आपका ला दिए, तो आप ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सत्यापित हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 11 का वन, ठीक है। तो 11 का वन इतना बराबर आपको इतना लाना, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यों लाना, इसको तो मतलब जैसे कीजिए इसको, तो इतना लाना है, सोचते हैं चलिए एल एच एस उठा कर लिख दिया, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि क्या क्यों ना उसी तरह से इसको भी किया जाए, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यहाँ पर लिख देना सिंपल। तो जोड़ के देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस भी है, जब इसको बी को जोड़िएगा तो टू बी में से एक बी घटेगा, तो यहाँ पे एक बी बचेगा प्लस में, आई थ्री सी टू सी है ना, तो टू सी में इसको अब हम ऐड करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो एक सी घट जाएगा तो एक सी बचेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर बच जाएगा जोड़ेंगे तो, ठीक है। इसी तरह से इसको भी देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस में सी है माइनस में ए है, तो टू सी में से एक सी घटेगा तो एक सी बचेगा, और ये देखिए यहाँ पे आई टू ए है ना, तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पे ए बचेगा आई ए प्लस बी, ठीक है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक सिंपल। इसी तरह से इस तीनों को जोड़िएगा ना आप, तो ये टू ए में से ए को ए यहाँ पे घट जाएगा तो ए बचेगा प्लस में, फिर टू बी में से एगो बी घट जाएगा तो बी बचेगा, और फिर सी तो प्लस में है ही ऑलरेडी। अब ये तीनों को हम कॉमन ले लेंगे, इसको 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 तीनों को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन यहाँ पे वन यहाँ पे वन हो जाएगा इसको, और ये आर टू और आर थ्री को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन वन हो गया और आर टू और आर थ्री को ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, उसी तरह से हम इस सी वन में से सी टू को घटाएंगे, ठीक है। तो इस वन में से वन घटेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, और इसमें से इसको सी वन में से सी थ्री को घटा देंगे तो हमको कुछ और बेनिफिट हो जाएगा। वन में से वन घटेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, एस टू में से टू भी घटेगा तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ मान ये बच जाएगा तो इसके अनुदिश प्रसारण कर देंगे, ठीक है। तो हम वही काम कर लिए, इस यहाँ पे लिख दिया इस सी वन के स्थान पर सी वन माइनस सी टू सी थ्री। अब चलिए वो काम करते हैं, तो वन में से वन घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, और टू बी में से टू भी घटेगा तो जीरो, तो वही देखिए जीरो जीरो। और देखिए अब ये टू सी में से इसको घटाइएगा तो टू सी में से एक सी घट गया तो एक सी प्लस में आएगा, और ये जब माइनस हो रहा है तो इसका चिन्ह तो बदल जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यानी ए प्लस बी प्लस आए गो सी था, सी भी प्लस हो जाएगा सिंपल। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए देखिए। और इसमें हमको क्या करना है, ये सी टू और सी थ्री में कोई चेंजिंग नहीं, और ये पहले से जो था वैसे ही रहेगा, ठीक है, वैसे ही कर दें।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों छूट गया है, पहले से हमारा था ना ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको तो लिखना चाहिए था, यहाँ पे देखिए छूट गया, मिस्टेक हुआ है, ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है, तो ये होगा गुणा में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी गुणा में होगा, तो अब यहाँ पे ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इस लाइन में भी हमको कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है ना ये सी वन में, तो वही सी वन में से हम कॉमन ले लिए, तो पहले से एक है और एक और कॉमन हो गया, तो दोनों का दो हो गया ना, ठीक है, या फिर कॉमन ना लेके प्रसरण ही कर देते हैं। चलिए प्रसरण ही कर देते हैं सी वन के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, तो इसके अनुदिश प्रसरण करिएगा, तो ये जीरो ये भी जीरो, और ये तो आपको पता है कि ये प्लस में आता है, ये पिछले वीडियो में इसका सूत्र बताया था आपको, तो ये गुना में हो गया और इसके अनुदिश प्रसरण होगा, तो ये मान लिखाएगा और इसके अनुदिश होगा, तो इसका यानी कि ये कॉलम खत्म, इसका रो खत्म, तो बच जाएगा ये चार मान, तो इस चारों मानों को लिख दीजिए, आप कैलकुलेट करिए, तो इसका इतना ही कैश, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक में टू बी से तो टू बी हो गया, और उसके बाद सूत्र में क्या होता है माइनस, फिर बी में एक से तो बी हो जाएगा, फिर आपका ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, माइनस से गुना हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से गुना होगा तो क्या हो गया प्लस हो गया, वन से करिएगा गुना तो ये सी ही रहेगा, ये ए ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए टू बी में से एक बी घटा तो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा प्लस में, और पहले से ए प्लस बी ए हो है या प्लस सी है, यहाँ पे एक बी आ रहा है ना घटाने पर, तो ए प्लस बी प्लस सी सजा के हम लिख दिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, एक यहाँ पे और हो गया था, कितना हो गया पावर दो आया, कितना हो गया पावर थ्री हो गया कि नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यों आ गया ना, आर एच इज प्रूव्ड सिंपल। तो देखिए यहाँ पे जो लाना था हमको ला दिए ना, तो ये हमारा क्वेश्चन सत्यापित हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तब चलिए 11 का दो नंबर देखते हैं, ठीक है ना, 11 का इतना बराबर इतना लाना है, तो सिंपल इसको एल एच एच लीजिए और उसी तरह से करिए। तो मुझे लाना क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लाना है, और टू में इसमें टू गुना में है तो वो भी लाना है, तो चलिए पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड के रूप में हम लाते हैं, कैसे लाएंगे चलिए सोचते हैं कि क्या करें। हम सी वन के स्थान पर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री लिख देते हैं, ये सी वन सी टू सी थ्री को जोड़ दे रहे हैं, और सी वन के इसके स्थान पर लिखूंगा, देखिए इसको इसके इसके साथ तीनों को जोड़े हैं, तो देखिए x है यहाँ भी x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ भी y है तो यहाँ भी y है तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर 2z ही है तो 2x 2y 2j 2z, तो हम क्यों ना 2 कॉमन कर लेते हैं, लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, इसी तरह से यहाँ भी, तो इन तीनों को जोड़िएगा ना ये लाइन से, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2x, फिर यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो 2y, फिर जेड यहाँ पे जेड है तो 2z, तो क्यों ना उसी तरह से हम इसमें भी 2 कॉमन करके x प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे, ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी, तो देखिए x यहाँ पे है एगो x यहाँ है तो 2x हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 2y है ये है और 2z हो ये जाएगा, तो 2 कॉमन करिए x प्लस वाई प्लस जेड लिखिए सिंपल। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए C2 और ये C3 ऐसे उतार लीजिए सिंपल। अब हम कॉमन ले रहे हैं, क्यों ना इसको हम कॉमन ले लें, 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको कॉमन ले लीजिए, बाहर आ गया तो यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, तो वन वन लिखिए, और ये C2 और C3 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, तो इस R1 के स्थान पे अगर हम इस R1 में से R2 को घटाएं तो इसमें से वन में से वन घटेगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से R2 के स्थान पर अगर करें तो इसमें से वन में से वन घटाएंगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और उसके बाद प्रसरण कर देंगे सिंपल। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे कि R1 के स्थान पे R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पे R2 माइनस R3, और उसी तरह से घटाएंगे, तो देखिए वन में से वन घटेगा तो यहाँ पे जीरो, तो देखिए मैंने जीरो लिख दिया। अब उसी तरह से x में से इसको घटाएंगे, तो देखिए x में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका जाता यहाँ पर 2x है तो ये तो माइनस में आएगा, तो x में से 2x घटेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो माइनस एक्स, ये दोनों भी माइनस में होगा क्योंकि इसमें से इसको घटाया जा रहा है, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, और ये माइनस एक्स भी हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड लिख देंगे, ठीक है सिंपल। उसी तरह से अब यहाँ भी देखिए क्या किया हम कि अब वाई में से वाई घटेगा तो यहाँ पे जीरो, तो देखिए यहाँ पे जीरो। अब देखिए अब R2 के स्थान पे, मतलब इसके स्थान पे लिखना है, तो इस R2 में से R3 को घटा के यहाँ पे R2 के जगह पर लिखना है, तो वन में से वन घटा तो जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से इसमें से इसको अगर घटा रहे हैं तो यहाँ पर 2x दिख रहा है आपको, तो 2x में से एक x घटा तो x बच जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे हम, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। इसी तरह से y में से इसको घटाएंगे तो इस सब के सब माइनस में हो जाएगा ना, तो y में से 2y घटेगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये C3 का ये जो R3 का मान है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए ऐसे ही सिंपल। अब क्या करना है दोस्तों,
कि हम इस सी वन के अनुरूप इस प्रसरण करेंगे तो है जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका इसको ये केवल हमको वन वन लेकर कर देना है सिंपल। तो इसको देखिए ऐसे ही हमने, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें कुछ कॉमन भी मिल रहा है, कॉमन लेकर ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये आपका है आर वन है, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन करिएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। यहाँ भी देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे माइनस लीजिएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिले, तो इसमें भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो वही लिख दिया आर वन में, आर वन एवं आर टू में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, तो कॉमन लीजिए तो पहले से जो था हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ से एगो इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला, एगो इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो दो छो तो यहाँ हो गया, पहले से एक था तो कितना हो गया पावर थ्री हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है जीरो, यहाँ पे तो हम माइनस कॉमन कर लिए है ना, तब ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया है तो माइनस वन। अब यहाँ पे जीरो है, फिर इस लाइन में देखिए ये तो कॉमन हो गया है तो यहाँ पे वन हो गया, और यहाँ पे माइनस कॉमन किया है तब ना ये प्लस में गया है कॉमन तो यहाँ पे माइनस वन, और ये जैसे उसे छोड़ दिए, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, इसके अनुदिश कर लेना है, सी वन का अनुदिश करिए, तो सी वन का अनुदिश कीजिए तो ये अपना गुना में रह गया यहाँ पे वन, ठीक है, प्लस में ये रहता है तो इसका ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये बच जाएगा ये चार मान, तो चारों मान को हम लिख देते हैं सिंपल। तो देखिए लिख दिया, अब माइनस वन से कीजिएगा तब प्लस वन हो जाएगा ना वन, और यहाँ पे वन में जीरो से तो जीरो हो गया, आशुधन में माइनस होता है तो इतना वन में जीरो घटाइएगा तो वन ही ना रहेगा, वन में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो वही आपका देखिए वन में गुना किए तो उतना ही आ गया बराबर आ रहा है, यही ना आपको लाना था, तो देखिए यहाँ पे जो लाना था हमने ला दिया, तो ये आपका आर एच एस प्रूव हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन इतना बराबर इतना लाना है, उसी तरह से हम भी एल एच एस उठा लिया। अब मुझे जो करना है उसको देखिए क्या कर रहा हूँ, हम आर वन के स्थान पे आर वन आर टू आर थ्री को जोड़ के पहले लिख रहा हूँ, ठीक है सिंपल। तो देखिए एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर देखिए लिख दिया, फिर यहाँ पे देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया सिंपल, तो वही कर दिया। अब इस R2 और R3 को कुछ नहीं चेंजिंग किया है, केवल R1 के स्थान पे हमने R1, R2, R3 को जोड़ के लिखा है, ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे ही हमने उतार दिया। और ये देखिए कॉमन दिख रहा है ना, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो तीनों को कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी, तो चलिए वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, और सब ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, तो ये कॉमन कर लिए, वन वन लिख दिया और सब ऐसे ही लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, तो मुझे इसको जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के जीरो लिख देंगे, इसमें से इसको घटा के लिख देंगे जी, ठीक है, तो वही सी वन माइनस सी टू, सी वन के स्थान पे और सी टू के स्थान पे सी टू माइनस सी थ्री, इस तरह से आप कितना क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिए, ठीक है, उसी तरह से मैं इसको कर रहा हूँ। तो वन में से वन घटा था क्या होगा जीरो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से वन घटा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स में से एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और वन में से वन घटा तो जीरो, वन में से एक्स घटा तो वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर में से वन घटा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है, आर सी थ्री के जगह पे कुछ चेंजिंग नहीं करना है तो ऐसे ही लिख दीजिए। अब हम क्या करते हैं, इस आर वन के अनुदिश प्रसारण कर लेंगे, ठीक है, तो इसको जैसे उसे छोड़ दीजिए, आर वन के अनुदिश कीजिएगा तो ये तो वन है, जीरो जीरो है तो इसको छोड़ ही देना है तो वन लिखिए, और इसको लिख रहे हैं तो ये देखिए ये आपका रो खत्म, ये आपका कॉलम खत्म, तो बच जाएगा ये चारों मान, तो लिख दीजिए चारों मान। अब इसको ऐसे ही ले लीजिए, वन में इससे क्वेश्चन इस वन में इससे गुना करेगा तो उतना ही रह जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स स्क्वायर माइनस वन से गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, दोनों तो उतना ही है ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब इसमें इसमें गुना करना है तो हम एक से पहले इन दोनों में करते हैं तो इतना ही उतर जाएगा, ठीक, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस हुआ है तो कोष्ट में लगा रहा हूँ, फिर माइनस से गुना करना पड़ेगा, फिर माइनस एक्स इस माइनस एक्स से इस दोनों में करूँगा तो माइनस प्लस माइनस एक्स में एक्स से तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स से तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको देखिए, इसको तोड़ दीजिए फार्मूला में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी तो टू का स्क्वायर होगा तो फोर हो जाएगा ना पावर, माइनस टू ए बी तो टू माइनस टू, ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, बी के स्थान पर वन है, ठीक है, तो वन में गुना होगा टू एक्स स्क्वायर से तो उतना ही रह जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, ठीक है, तो वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे देखिए माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा, अब माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, ये देखिए माइनस प्लस क्या हो गया खत्म, अब क्या बचा, ये जो बचा है उसको लिख देंगे एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, यही लिख दूंगा थोड़ा सजा के। तो देखिए मैंने वही काम किया, ये जो था वैसे ही लिख दिया एक्स फोर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन, जो मैंने बोला वही लिख दिया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे जो बचा है एक्स
थोड़ा सा जाके एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, ये इसको लिख दिया, ये पहले से जो था उसको भी लिख दिया, तो वही हमने कर दिया। अब देखिए दोस्तों इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अब इसमें दोनों में कॉमन एक्स क्यू मिल रहा है तो एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा और एक्स क्यू कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो माइनस वन बचेगा। अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं तो माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो ये प्लस में एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में वन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पे माइनस के इधर साइड में माइनस के इधर साइड में हमको एक्स माइनस वन कॉमन मिल रहा है, तो एक्स माइनस वन अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स क्यू माइनस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हमने ऐसे ही कर लिए, लेकिन हम इसमें अगर इसमें से माइनस कॉमन कर ले, इसमें से भी माइनस कॉमन कर ले, तो ये देखिए उलट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, और माइनस माइनस दोनों कॉमन, इसमें से भी माइनस है, इसमें से भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये दोनों अलग, ये उलट भी जाएगा, तो ये देखिए पहले माइनस वन, ये माइनस क्यू, ये माइनस माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस कॉमन किया तो प्लस हो गया, माइनस में माइनस से गुणा होता। अब इससे हमको एक बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमको यहाँ पे बेनिफिट ये हुआ कि इन दोनों को अगर एक साथ करते हैं, इसको पहले कर लिया इसको, तो एक फार्मूला पढ़े होंगे कि इसको अगर हम लिखते हैं क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ अगर करते हैं, ठीक है, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को, ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ कर लिया, तो इन दोनों को एक साथ करते हैं तो एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप इन दोनों को एक साथ कर लिए तो इसको अगर करिएगा ना, तो इसका अगर इसको अगर ए वन का क्यू कर लीजिएगा तो एक वन का क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स का क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है कि ए माइनस बी यानी वन माइनस एक्स और प्लस इंटू ए का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन होगा, आप प्लस प्लस होता है सूत्र में प्लस ए बी ए गुने बी, तो वन में एक्स से गुना करेगा तो वन में एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं और ये जैसे उसे छोड़ दीजिए। अब देखिए ये दोनों तो उतना ही हो गया ना, तो इतना जब जितना ये है उतना ही ये है, तो इसका पावर वन इसका पावर वन तक क्या हो गया पावर टू हो गया। यही ना आपको लाना था आर एच एस प्रूफ, तो देखिए यहाँ पे जो लाना था मैंने ला दिया आर एच एस प्रूफ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं, 13 नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। तो ये था इतना बराबर इतना आपको लाना है, ठीक है, सिंपल। तो हमने एल एच एस ले लिया, उसी तरह से हम थोड़ा सा इसमें दिमाग क्या लगाएंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको C1 के स्थान पे C1 माइनस बी C3 कर ले रहा हूँ, B से गुना करा के C3 में, ये C3 हुआ, ये आपका C1 है, तो इस C1 में से इसको घटाऊंगा B से इसमें गुना करके, ठीक है, तो कर रहा हूँ, तो चलिए करता हूँ। तो इसमें से इसको B से गुना करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2b² होगा प्लस में, इसमें से ये माइनस है तो ये घट जाएगा 2b² में से एक b², तो प्लस में b² बचेगा, यानी एक प्लस बी a² प्लस b² हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से यहाँ पे b से गुणा हुआ है तो 2ab हो गया, यहाँ भी 2ab, इस 2ab में से 2ab घटा तो 0 हो गया। इस यहाँ पे देखिए इसमें b से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप b से गुणा करके इस 2b में से इसको घटाइएगा तो यहाँ पे b मान लीजिए लिखा है, तो 2b में से एगो b घट गया तो क्या हो जाएगा b, ठीक है। और उसके बाद में तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में b हो गया और माइनस से गुणा हुआ तो ये माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, इस 2b में से इसको घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, या फिर देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ क्या आपको घटाना है, इस 2b में से इसको घटाना है, ठीक है, इसमें b से गुणा करा तो वही कर रहा हूँ, देखिए आपको करके बताता हूँ कि 2b में से आपको b से गुणा करके कितना से 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करना था, देखिए 2b, तो यहाँ पे 2b में से आप करेंगे इसको 2b लिख दिया, ठीक है, इस b में 1 से तो b और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ए स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और बी में बी स्क्वायर से तो हो जाएगा बी क्यू। अब आप करेंगे यहाँ पे तो देखिए 2b में से एक बी घट गया तो बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, यहाँ पे क्या हो गया बी क्यू। अब हम क्यों ना सब में से बी कॉमन कर लें तो बी इंटू वन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया कि नहीं, तो यही तो मैं लिखा हूँ, तो देखिए दोस्तों मैंने यही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से देखिए C2 के स्थान पे C2 प्लस C3 करना है, ये C2 के स्थान पे इसको और इसको प्लस करना है A से गुना करा के इस C3 में,
तो इसमें ए से गुना करिएगा आप तो क्या हो जाएगा माइनस टू ए बी आप प्लस टू ए बी, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। और इसमें बी से गुना हुआ तो टू ए बी इसमें जोड़िएगा आप, ठीक है ना, तो टू ए बी इसमें जोड़िएगा आप, तो इस टू ए बी में क्या करना है इससे इसको सी थ्री इसमें बी से गुना करा के सॉरी ए से गुना करा के ए से ना तो ए से गुना करा के जोड़ना है। देखिए यहाँ पे ए से गुना करके जोड़ना है इसमें, तो यहाँ पे टू ए स्क्वायर होगा तो टू ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही लिख दिया। इसी तरह से इसमें से इसको क्या करना है जोड़ना है, तो इसमें जो इसमें कितना से गुना करा के ए से गुना करा के इसको जोड़ना है, तो जैसे ही इसमें ए से गुना करा के इसको जोड़िएगा आप तो आपका पता है क्या आ जाएगा माइनस ए कॉमन करके आपका आ जाएगा इतना वन प्लस ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए जैसे मैं आपको करके बताया हूँ, ठीक है, और ये जैसे है उसे मैंने छोड़ दिया। अब हम कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे तो देखिए इसमें ये सी वन में हमको मिल गया ए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही मैंने ले लिया। C2 में भी मिल रहा है, देखिए ये C2 में भी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी कमन, तो इसमें से एक कमन मिल गया, इसमें से एक तो पावर दो हो गया और यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो गया और यहाँ पे बी है तो बी, यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन हो गया और यहाँ पे देखिए माइनस ए बच जाएगा, ये तो कमन हो गया और ये जैसे है उसे मैंने छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे तो इसका प्रसरण कर लेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हम किसके अनुदिश प्रसारण करेंगे तो R1 के अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं, ठीक है, तो R1 के अनुदिश करिएगा तो इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, तो इस R1 के अनुदिश तो यहाँ पे वन होगा तो वन ये लीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब में ये कॉलम खत्म ये रो खत्म तो ये चारों मान वन इंटू ये चारों मान लिखूंगा, ठीक है, प्लस वन का तो वही देखिए यहाँ पे वन इंटू इस चारों मान को लिख दिया। अब इसके बाद में ये तो माइनस में होता है तो ये तो जीरो है, इसको छोड़ ही दीजिए, ये जीरो है इसको छोड़ ही दीजिए। इसके बाद ये लिखते हैं वो भी प्लस में, लेकिन यहाँ पे माइनस टू भी है तो हम इसमें माइनस टू भी लिखूंगा, तो जब ये लिखूंगा तो इसके सामने ये खत्म तो बच जाएगा ये चारों मान, तो इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करें तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, वन है तो वन में इतना से गुणा करेंगे तो इतना ही रह गया, ठीक है, और माइनस होता है यहाँ पर तो माइनस यहाँ पे देखिए माइनस में ये भी आएगा ना गुणा करने पर टू ए स्क्वायर माइनस में आएगा, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस टू भी है तो टू भी, इसमें देखिए जीरो में हम माइनस ए से गुणा करेंगे जीरो और सूत्र में माइनस होता है एक में बी से तो बी हो गया। आगे बढ़िए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए तो देखिए इसमें कुछ कट रहा है क्या, कट नहीं रहा है, इसमें से देखिए वन, ठीक है, यहाँ पे देखिए टू ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट गया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आइए तो यहाँ माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे टू बी में बी से होगा तो टू बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे ए वन प्लस ए स्क्वायर आई टू बी में टू बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घट गया तो बी स्क्वायर बच गया, तो इतना ही ए भी आ गया इतना ही ए भी, तो ये पावर टू है पावर वन है तो पावर कितना हो जाएगा थ्री, जो कि आपको आर एस एस लाना था तो प्रूव हो गया ना, जो आपको लाना था देखिए यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर, तो ये देखिए क्वेश्चन रहा आपके सामने इतना लाना है आपको, तो सबसे पहले हम एल एस एस ले लिया, हम इसमें कर क्या रहे हैं कि इस सी वन सी टू सी थ्री में हम ए बी सी से मतलब सी वन में ए से सी टू में बी से सी थ्री में सी से गुना कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए गुना करें, तो इसमें ए से गुना करेगा तो पोस्ट में ए लगा दिया, इसमें भी ए से गुना कर दिया तो यहाँ पे ए ए था ना एक तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा, और इसमें बी से करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी से करना है तो पोस्ट में लिख कर बी गुना में लिख देंगे, यहाँ बी स्क्वायर सी हो जाएगा, और इस लाइन में हमको सी से गुना करना है तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी पोस्ट में लिख देंगे गुना में लिख देंगे, ठीक है। और जब पता है आपको ए बी सी से जब अंदर गुना किए तो ए बी सी से आपको भाग भी करना पड़ेगा तब ना यहाँ बी सी ए बी सी कट जाएगा, तो वही मैंने कर लिया, यहाँ पे भाग भी किया अंदर गुना भी कर दिया, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे आर वन में से ए और आर टू में से बी, यहाँ पे बी बी कमन मिल रहा है और आर थ्री में से सी कमन कर लेंगे, ठीक है, तो वही हमने कर लिया। तो यहाँ पे पहले से एक बटा ए बी सी था और ए बी सी बाहर आ गया कॉमन, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसमें से ए कमन करिएगा तो ए स्क्वायर बी प्लस वन, यहाँ से ए कमन करिएगा तो बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा, तो वही मैंने लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से ए कमन हो गया। अब इस लाइन में भी वही काम, तो इस लाइन में हम क्या किए हैं कि इसमें से बी कमन करा तो ए स्क्वायर बचेगा, ये बी तब कमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे बी कमन हो जाएगा तो सी स्क्वायर बचेगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ भी वही काम करेंगे हम, तो यहाँ पे
इस लाइन में हम सी कॉमन किए हैं, देखिए सी बाहर चल जाएगा, सी बाहर चल जाएगा, ये सी बाहर चल जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस वन, तो वही मैंने लिख दिया। अब बाहर आ गया ए बी सी, तो ए बी सी से ए बी सी क्या हो गया, कट गया ना, खत्म हो गया। अब जो बचा उसको हम लिखेंगे। अब हम इसमें करेंगे क्या कि सी वन के स्थान पर सी वन प्लस सी थ्री, सी टू प्लस सी थ्री, यानी ये सी वन सी टू सी थ्री को जोड़ के सी वन के स्थान पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी देखिए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको C2 और C3 को ऐसा ही आप लिख देंगे, और ये आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है ना। C1 के स्थान पर से ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो 1 1 1 बच जाएगा, और ये सब जैसे उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है दोस्तों, तो इसको आपको जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है, तो वही मैंने लिख दिया कि आर टू के स्थान पर, यहाँ पर इस आर टू के स्थान पर आर टू में से आर वन को घटा कर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें से इसको घटाऊँगा तो बेनिफिट होगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो यही वन में से वन घटा तो जीरो, और कहाँ लिखना है आर टू के स्थान पर, तो इस यहाँ पे लिखना था जीरो हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो वन, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, और इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं करना, आर वन के स्थान पर देखिए कुछ नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन आर थ्री के स्थान पर भी आर थ्री में से आर वन घटाना है, इस आर थ्री में से इसको घटाना है, तो वन में से वन घटा तो जीरो, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा तो जीरो, और इसमें से इसको घटाएगा तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया तो वन बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस सी वन के अनुदिश प्रसारण कर लेंगे, ठीक है। तो सी वन के अनुदिश करिएगा प्रसारण, तो ये जीरो छोड़ दीजिए, तो केवल ये वन लेना है, तो वन लीजिएगा तो ये इसके सामने ये खत्म रो, इसके सामने कॉलम खत्म, तो ये चारों मान वन इंटू आई जी से उसे छोड़ दीजिए, तो वही मैंने कर लिया, इतना इंटू वन वो चारों मान लिख दिए, तो वन में वन से तो वन, वन में वन से तो वन होता है, जीरो में जीरो से तो जीरो माइनस में होता है सूत्र में, तो वन में अब इतना से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो यही ना आपको प्रूफ करना था आरएचएस प्रूफ। तो चलिए देखिए जो प्रूफ करना था हमारा आ गया, तो ये सत्यापित हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बराबर ए एक 3×3 कोटि का एक वर्ग आवयु है, तब ए मोड डिटरमिनेंट के ए का मान क्या होगा, तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए हमने क्या किया कि ए एक 3×3 कोटि का एक वर्गावयव ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिया तो हमने ए वन बी वन सी वन कर लिया, इसमें ए टू बी टू सी टू ए थ्री ये मान लिया, ठीक है अपने से। अब यहाँ पे अगर हम इसमें के से गुना करते हैं तो इधर भी आपको तो के से गुना करना पड़ेगा सब में, ठीक है, से गुना कर लिया। तो अब इसका हम क्या कर लें, डिटर्मिनेंट निकालें, तो इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट इसका हो गया तो इसी का ना मान पूछा गया है, तो मान पूछा गया है, तो यहाँ पे हम सब में से इसमें से भी के, इसमें से भी के, इसमें से भी के निकाल लिए बाहर, तो के क्यू हो जाएगा ना, इसमें से एक के हो गया, इसमें से भी एक के हो गया, इसमें से भी एक के, तो के गुने के गुने के, तो के का क्यू हो गया, तो यहाँ पे के का क्यू, और यहाँ पे ये जो मोड में बचा है उसको हमने लिख दिया। तो ये ए वन बी वन सी वन इक्कीस का मान था, ए का मान था ना, तो डिटर्मिनेंट ए हो गया, तो के क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये इसका राइट आंसर यही होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा दे रहा है आपका, के क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो सारणिक एक वर्ग आवयु है, सारणिक एक आवयु से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आवयु है से संबंध एक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं, तो सारणिक के बारे में बता रहे, तो सारणिक की हम थोड़ा परिभाषा पहले देखते हैं कि चूंकि प्रत्येक एन क्रम के वर्ग आवयु ए बराबर ए आई जे, जहाँ ए बराबर ए आई जे बराबर ए का आई जे व अव्यय है, तो को उसको क्या कहते हैं, किसी व्यंजक या संख्या के साथ स्थापित किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। तो अतः प्रत्येक वर्ग, यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको वर्ग आवयु और उस संख्या के शेष के साथ क्या करेंगे, संबंध, तो अतः आपका प्रत्येक वर्ग आवयु से संबंध एक सारणिक होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कौन सा दें, सारणिक एक वर्ग आवयु ये तो नहीं होगा, सारणिक एक वर्ग आवयु से संबंध नहीं, एक आवयु से संबंध ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका, कि सारणिक एक वर्ग आवयु से संबंध एक संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम अगला प्रश्नावली का सोल्यूशन अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।